पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फ्लूइड के हर पॉइंट पर एक प्रेशर प्रेजेंट होता है, बट ये प्रेशर वेरी कैसे करता है फ्लूइड में, किस डायरेक्शन में बढ़ता है, किस डायरेक्शन में अनचेंज रहता है, इसको थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए फ्लूइड, पहले हम बात करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर कैसे वेरी करता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ इस तरह से। इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड का ही एक छोटा सा पार्ट एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में इसका ले रहा हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि पहली बात तो इसकी हाइट है h, दूसरी बात इसके इस एरिया को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इस तरह से मान रहे हैं कि इसके पूरे सर्कुलर एरिया पर प्रेशर सेम माना जा सकता है। इस पूरे एरिया पर मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है P1 और इसके बॉटम वाले इस पॉइंट पर प्रेशर है P2, तो इस सिलेंडर पर लगने वाले फोर्सेस अगर हम देखें, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं मान लेता हूँ A, तो इस प्रेशर P1 के कारण ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा F1 इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि P1 इनटू A। इसी तरह से इसके बॉटम पर, यहाँ पर निचली सरफेस पर जो प्रेशर है वो P2 है, और इस प्रेशर से लिक्विड इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा और इसके कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा F2, विच विल बी प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर इज़ P2 एंड एरिया इज सेम A। हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का सिलेंडर अज्यूम किया था। तीसरा फोर्स इस सिलेंडर पर या सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पर लगेगा इसका वेट, यानी कि mg, जो कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इस स्टेशनरी लिक्विड की बात कर रहे हैं, इफ़ लिक्विड इज स्टेशनरी या इफ फ्लूइड इज स्टेशनरी, तो फिर ये तीनों फोर्स आपस में बैलेंस होने चाहिए। सो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, या फोर्स अपवर्ड इक्वल्स टू फोर्स डाउनवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक ही फोर्स है F2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है F1 और प्लस इसका वेट mg। F2 को लिखा जा सकता है P2A, F1 को लिखा जा सकता है P1A, mg में g को मैं एजिटिज लिख रहा हूँ, m यानी कि इसका मास, इस मास को मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ। इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू h, सो ah, और इसकी डेंसिटी लिक्विड की मान लेते हैं कि ये रो डेंसिटी का लिक्विड है, तो इनटू रो, साथ में जी रहेगा। ए तीनों टर्म्स में कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 प्लस H rho g। मीन्स यहाँ पर प्रेशर था P1 और जब हम H डेप्थ पर गए तो प्रेशर बढ़ गया H rho g, ठीक है ना। प्रेशर कितना बढ़ गया? H rho g। और यहाँ पर इसलिए हो गया P1 प्लस H rho g, विच इज़ P2। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ पर चलते जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है, और जब हम एच डेप्थ नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? H rho g। दिस H rho g इज कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। ये एच हाइट के लिक्विड कॉलम के कारण डेवलप्ड प्रेशर है, जिसको हम H rho g बोल सकते हैं। अब ये तो बात हुई वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कई बार हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन भी कहते हैं, हाइड्रो स्टैटिक इक्वेशन। हमें समझ में आया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे प्रेशर वेरी करता है, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटे एरिया का हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह का, जिसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A, यहाँ भी यहाँ भी। इस तरफ यहाँ पर प्रेशर को अगर मैं P1 कहूँ और इधर प्रेशर को P2 कहूँ, तो ये दोनों प्रेशर अपना अपना फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर लिक्विड इसको P1 इंटू A फोर्स से प्रेस करेगा इस तरफ, और यहाँ का लिक्विड इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस तरफ प्रेस करेगा P2 इंटू A फोर्स से। और क्योंकि ये लिक्विड कॉलम हमारा स्टेशनरी है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई अलग से कोई तीसरा फोर्स नहीं है और ये स्टेशनरी है, तो हम कहेंगे फोर्स लेफ्ट इक्वल्स टू फोर्स राइट, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा। F1 इक्वल्स टू F2, यानी कि P1A इक्वल्स टू P2A, ए कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब है P1 इक्वल्स टू P2। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम लेवल पर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता। सेम लेवल के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो भाई यहाँ हमें दो बातें समझ में आई हैं। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड चलने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड चलने पर यानी कि जिस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर जो है वो चेंज होता है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर अनचेंज रहता है। और इस कारण से, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक और बात, इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम है और यहाँ पर भी इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ प्रेशर सेम होगा टॉप सरफेस पर, ठीक है ना? तो फिर इसकी जो हाइट है वो दोनों पॉइंट पर कैसी रहनी चाहिए? यहाँ से सेम रहनी चाहिए। कुछ और भी चीज़ें समझ लेते हैं छोटी छोटी। जैसे मान लीजिए कि कंटेनर है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसमें कुछ हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ इसके सरफेस के जस्ट ऊपर कौन है? यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P0। तो P0 प्रेशर यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे एटमॉस्फेयर इस फ्री सरफेस को प्रेस कर रहा है, और अगर इसमें एच हाइट का लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, तो यहाँ बॉटम पर प्रेशर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे P इक्वल्स टू P0 प्लस एच रो जी। P0 तो है सरफेस पर और जैसे हम एच डेप्थ पर गए तो प्रेशर कितना हो गया? P0 प्लस एच रो जी। तो एच हाइट का जब भी लिक्विड प्रेजेंट होता है तो उसके कारण प्रेशर डेवलप हो जाता है एच रो जी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट लें, एक लिक्विड लें मरकरी, एक कंटेनर में भर लें, कौन सा लिक्विड? मरकरी। और कितनी हाइट भरें इसकी? 76 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है भाई? तो इसके कारण अगर मैं प्रेशर फाइंड करूं, इस लिक्विड के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा? तो लिक्विड के कारण प्रेशर हो जाएगा P इक्वल्स टू एच रो जी। एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर यानी कि 76 × 10⁻²⁻ m, रो मरकरी की डेंसिटी यानी कि 13.6 × 10�³, और जी की वैल्यू 9.8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एग्जैक्टली आएगा 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये हमारा प्रेशर आएगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, यानी कि हम इसको 1 ATM भी कह सकते हैं। इसी कारण से हम 1 ATM को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम भी कहते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस तरह से इस यूनिट को समझा जा सकता है कि ये सेंटीमीटर ऑफ एच जी यूनिट कहाँ से आ गई। तो 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसी तरह से अगर हम एक प्रेशर फाइंड करें, प्रेशर ड्यू टू 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर की 10 मीटर के कारण प्रेशर फाइंड करें, तो एच रो जी, एच की वैल्यू 10 मीटर, रो की वैल्यू वाटर की डेंसिटी 10�³, और जी को मैं ऑलमोस्ट 10 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 10⁵ पास्कल, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 ATM। तो हमें 1 ATM का ये वाला मतलब भी याद रखना चाहिए कि 1 ATM इज इक्वलेंट टू, 1 ATM इज इक्वलेंट टू 10 मीटर ऑफ वाटर। तो वाटर कॉलम की 10 मीटर हाइट के इक्वलेंट 1 ATM प्रेशर होता है, जबकि मरकरी के कितनी हाइट के इक्वल होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है? एक और बात, मान लीजिए कि हम एटमॉस्फेयर में ओपन किसी कंटेनर की बात करते हैं इस तरह से, और इस कंटेनर में डिफरेंट शेप की कुछ ट्यूब्स बनी हुई हैं इस तरह की, इस तरह का एक कंटेनर है हमारे पास। तो भाई इसमें हम एक बात समझते हैं, मान लीजिए कि यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन करूँ, जैसे कि हम इसके बॉटम की ही अगर बात कर लें,
एक तो हम इस ट्यूब के नीचे एक पॉइंट लें ए, एक इस ट्यूब के नीचे पॉइंट लें बी, एक इसके नीचे सी और एक इसके नीचे डी। तो हम जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर कई पॉइंट्स हैं सेम लिक्विड में, तो इन पर प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम, पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी डी। बट भाई इन सब में जो फ्री सरफेस होगी वो सारी की सारी सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में होगी, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पी नॉट और यहाँ पर कोई प्रेशर है पी, यहाँ पी नॉट और यहाँ पी, यहाँ पी नॉट और यहाँ पी, तो इन चारों ही जगह पर प्रेशर डिफरेंस सेम है। तो फिर इन सबकी वर्टिकल हाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए? सेम। और वर्टिकल हाइट सेम होनी चाहिए मतलब इनकी जो फ्री सरफेस होगी वो सेम लेवल तक होगी। इसका मतलब इनकी शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस लिक्विड की हाइट सभी तरह के कंटेनर्स में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि इस हाइट को डिसाइड करता है ये प्रेशर। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सब में हाइट कैसी रहेगी? सेम। और इस लेवल में जितने भी पॉइंट होंगे सब पर प्रेशर सेम रहेगा और इन सभी को लिखा जा सकता है पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इस तरह से प्रेशर आपका सेम रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसके सभी पॉइंट्स पर प्रेशर हमेशा सेम रहता है, जबकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलॉन्ग अगर हम चले वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। एक और बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लिक्विड की फ्री सरफेस जो होती है वो हमेशा उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे यहाँ पर जी डाउनवर्ड है, तो हमें इसको देखकर, इस डायरेक्शन को देखकर दो बातें हमेशा समझनी चाहिए। एक तो जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव होंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे तो नहीं होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस जी की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमेशा फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस हमेशा इस तरह से रहेगी कि वो इस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। और इस फ्री सरफेस के पैरेलल आप कोई भी यहाँ पर एक सरफेस लें तो इसके सभी पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा रहेगा? सेम रहेगा।